मेरे भाई को बहुत तेज बुखार था, तुमने मदद की थी। ये रख लो पैसे, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। हैं बैठे हुए हैं मलिक आफ्ताब से। क्यों, तुम्हें मलिक के साथ क्या काम पड़ गया? आज टांग के जख्म में बहुत दर्द है। दवा ली आपने? भूल गया, वही खाने जा रहा हूँ। क्यों भूलते, वक्त पे लिया करे दवाई। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं, आप बैठे ना, आप बैठिए। कैसे आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ भाभी जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भाभी जी वो चाय बना रही है, परवीन कह रही थी मैं खुद बना के लाऊंगी मलिक साहब के लिए अच्छी सी चाय। जिंदाबाद भाभी जी, वाह। भाभी जी एक बात आपसे पूछूं? नहीं, लो ये भी कोई पूछने की बात है मलिक साहब, एक नहीं 100 बातें पूछे आप। आपकी छोटी बहन की रफीक के छोटे भाई के साथ मंगनी हो गई है? अरे किसी बात से आप परेशान हो गए मलिक साहब, क्या हो गया है आपको? अरे लड़की कहीं पर भी मांगी हुई हो या मंगनी उसकी हुई हो, मैं तो ये समझती हूँ, मेरा तो ये मानना है कि लड़की की डोली उसी घर में जाती है जहाँ उसके नसीब होते हैं, जहाँ उसको कोई चाहने वाला हो, उसकी फरमाइशें पूरी करने वाला, उसके नाज नखरे उठाने वाला, कोई तोहफे तहाइफ देने वाला, वरना तो बात नहीं बनती ना। भाभी जी, अरे साहब ये तो बहुत खूबसूरत है, खालिस सोने के लग रहे हैं मुझे। वाह भाभी जी, बिल्कुल खालिस है, मेरे दिल की तरह। भाभी जी परवीन के लिए लाए हूं। अच्छा, नहीं तो फिर रखिए ना मलिक साहब, वो अभी चाय लेकर आती है, आप उसको खुद ही दीजिएगा। भाभी जी परवीन ये तोहफा ले तो लेगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब, ये तोहफे तहाइफ तो होते इसीलिए है ना कि दिलों की दूरियां खत्म हो, मोहब्बतें पैदा हो। तोहफे तहाइफ तो देते रहना चाहिए ना, क्यों नहीं वो कबूल करेगी? आप इतने प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम से उसके लिए तोहफा लेकर आए हैं, जरूर कबूल करेगी। परवीन अरे चाय तो ले आओ मलिक साहब के लिए। मलिक साहब भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी और तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आए हैं, लेकिन ऐसे घबरा रहे हैं, कहते हैं पता नहीं कबूल करे या ना करे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कबूल करेगी, तोहफे होते ही इसीलिए हैं कि दिलों में मोहब्बतें पैदा हो और दूरियां खत्म हो, है ना? मैं नहीं लेती किसी से तोहफे। अरे सुन तो, अरे दिखाइए मलिक साहब, मैं तो हैरान ही रह गई थी, देखो तो सही, देख खूबसूरत कंगन है, कितना खूबसूरत तोहफा लेकर आया तेरे लिए। अरे सोने के कंगन है, खालिस सोने के, इतने भारी है और तेरे हाथ पे इतने खूबसूरत लगेंगे। बैठ। बैठिए मलिक साहब। चीनी बताइए ना मलिक साहब। एक चम्मच। एक चम्मच चीनी। अब मैं जरा 2 मिनट में आती हूँ रफीक के। आपको मेरा तोहफा पसंद आया? अच्छा है।
बुखार में मर गए, कितने खूबसूरत कड़े हैं। वैसे शौकत भाई बड़े दिल के, खुले दिल के भाई। जब औरत मुझ जैसी खालिस होगी तो मर्द को कदमों में बैठे देर थोड़ी लगेगी। सोना तो क्या, जान भी निछावर करता है बेचारा। बच्चे कहाँ हैं उसके? स्कूल गए हैं, बस आते ही होंगे। जावेद कैसे हो यार? अल्लाह का शुक्र यार। यार तुम्हारी बैटिंग के बाद मैं कर लूँ? एक बॉल बस, लास्ट बॉल के कर रहा हूँ फिलहाल। बाजी मैं इनके साथ खेल के आऊंगा। अरे चलो यार अभी। बाजी खेलने दे। हाँ चलो ना अभी, यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। चलो। ये गंदे लड़के हैं, क्या हो गया इनके साथ खेलते हो तुम? तू तो सही तरह बैठना, मैं तुझे आज खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं रफीक से कह के आई थी कि मैं जल्दी घर आऊंगी, अब खाना मैं फिर कभी खाऊंगी। आय हाय शहनाज, तूने तो अपनी सारी जिंदगी ना भाई रफीक पर वार दी है। बीमार वो है और जीना तूने अपना हराम कर लिया। घर से बाहर निकला कर, तेरा भी पूरा जिंदगी पे हक है। अरे बस रहने देना, आप क्या करें जिम्मेदारियां। ओ सुन रही, कहां जा रही है? देख नहीं रही, मेहमान आए हैं, सहेली है मेरी, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाय। अब खड़ी क्या है, जा कुछ खाने को बना ले, कुछ अच्छा सा बनाना। शौकत ना फ्रिज में गोश्त और कीमा रख कर गया है। तू ऐसा कर, कीमा बना ले और साथ में ना कस्टर्ड बना लेना। हाँ और सुन, कस्टर्ड बनाना तो आता है ना? मिजाज देखा है इसका? क्या बात है भाई, मुझे तो पली पलाई नौकरानी मिल गई। राज कर रही है तू? राज रहने दे, मेरे घर वाले की बेटी है, मतलब मेरी सौतेली बेटी, सीने पे बोझ मुसीबत। शादी करके दफा कर दे, जान छोड़ा। कह तो तू ठीक रही है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। शरबत ले आ, हलक खुश्क हो रहा है मेरा, ले भी आप। अरे इतनी जोर से चीखेगी तो हलक तो खुश्क होगा ना तेरा। कहाँ गुम हो गई? और परवीन, कब से मैं आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें? जी भाई जी, बताइए क्या काम है? पता है क्या टाइम होने को आ रहा है? शाम की चाय नहीं बनी, जल्दी करो, सर में दर्द हो रहा है। और साथ में पकौड़े भी बना लेना। पकौड़ों का रानी को बोल देना। रानी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है और शहनाज सहेली की तरफ गई है, तुम बनाओ। शनाज होती भी तो कौन सा घर के काम को हाथ लगाती है। सुल्तान आ गया है। सलाम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम, अच्छे वक्त पर आए हो। चलो तुम्हारे बहाने हमें भी चाय मिल जाएगी। तुम्हारे लिए तो चाय बनाएगी ना परवीन? तौबा है,
सुबह से काम कर रही हूँ मैं, और बाजी एक सहेली के घर का बोल के कब से गायब है, फिर भी आपके मुझसे गिले शिकवे नहीं खत्म होते। हाय रे मेरी किस्मत। भाभी कहीं गई हुई है भाई जी? अरे वो बेचारी कहाँ कहीं आती जाती है, बड़े दिनों बाद अपनी सहेली की तरफ गई है। परवीन मैं कमरे में हूँ, चाय ले आना। क्या बात है, आज तो मिजाज बहुत ही बिगड़े हुए लग रहे हैं। बस बस रहन दो, जाके ना अपने भाई जी के पास बैठो, वरना फिर कोई नया बहाना मिल जाएगा नाराज होने का। तुम किस तरह से बात कर रही हो भाई जी के बारे में? तो और किस तरह से बात करूं? हाँ, अभी घर में दाखिल हुए नहीं कि मेरी शिकायत जड़ दी। ऐसा तो कुछ नहीं कहा भाई जी। देखो मेरे सामने ना ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो दिल वैसे ही जला हुआ है। अभी इस घर में ब्याह के आई नहीं कि सारे काम मेरे सर पे डाल दिए। सुल्तान आया भाई जी। बिनु को पकोड़े भी खिलाओ। किसी दिन बनाना प्रोग्राम, शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, आप तो माशाल्लाह अमीर हो गई है। हाँ पैसे की रेल पहल है, शॉपिंग तो करेगी तू। हाँ हाँ बनाएंगे। कहाँ रह गई है? अरे ओ लड़की आ भी जा। कुछ तमीज नहीं है, खाने के लिए कुछ साथ ले आती। अच्छा सुन, जा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मुझे जाना है तैयार होके। शौकत भाई कब आएंगे? बस आने वाला होगा। अच्छा, ये बच्चों के साथ रवैया कैसा है उसका? अरे लगता ही नहीं बिल्कुल कि इसके सगे बच्चे हैं, बड़ा खिंचा खिंचा रहता है, परवाह नहीं है इन दोनों की तो से। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, उसकी सारी तवज्जो तुझ पर ही रहे। ऐसी बन सबर के रह कर मियां को काबू करने का यही तरीका है। तुझे तो वैसे भी सारे तरीके आते हैं, हमेशा सही आते थे। सही कह रही है बिल्कुल। अच्छा चल ना, मैं तुझे अपना घर दिखा दूं। अच्छा फिर शरबत। हाँ दो मिले। अच्छा अच्छा जल्दी से आ जा। कहाँ रह गया शहजाद? दूध लेने भेजा था, चाय का पानी भी काला हो गया। ओए अब्बा अब्बा अब्बा। हाँ अब्बा, वो शहजाद को दूध लेने भेजा था, अभी तक आया ही नहीं, जरा जाके देख लो कहाँ है। हाँ देखता हूँ मैं। अब्बा देख। बाजी कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी शहजाद, क्या करते हो? बाजी वो आया है। कौन? वो जो नुक्कड़ वाले होटल पे बैठता है। वो? अच्छा जरूर अब्बा से मिलने आया होगा। तुम जाओ तो जाके बिठाओ ना, और अब्बा को नहीं अभी नहीं बताना, अब्बा को बाद में बता देना, लेकिन जाओ तो सही, दरवाजा खोलो कहीं चले ना जाए। जाओ अब आ गए कहाँ पे? हाँ हाँ अंदर ही बैठे हुए ना, तुम जाओ तो सही, मैं चाय बना रही हूँ, बिठाओ उसे, चला ही ना जाए। ठीक। सोनिया बेटे, ये गुलाब जामुन है, केक है और समोसे हैं, जल्दी से प्लेटों में निकाल और अंदर ले। ये इससे सब भिजवाना है, रख लेना अपना और अपने भाई का हिस्सा भी। नीयत नहीं बढ़ती तुम लोगों की। हाँ माँ तो मरी थी, अब लगता है बिन बाप के भी हो गए। बड़ी लंबी जबान हो गया तेरी। सही कहती है फिर दोस्त, बड़ी नफरत है तेरी आंखों में उसके लिए। उनकी आंखों में क्या है हमारे लिए? जबान चलाती है, इंसान बन जा वरना बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा मैं। जल्दी से सामान निकाल प्लेटों में और चाय के साथ अंदर आ।
शौकत, शौकत। आ रहा हूँ आज शनाज घर पर नहीं है। मुझे किसी ने टाइम पर खाना दिया ना चाय पूछी है। ये रानी कहाँ है? अभी पूछता हूँ उससे। बहुत ही कामचोर होती जा रही है वो। रानी का कसूर नहीं है। शनाज उसको कपड़ों का धुलाई का कह के गई थी। उसने वॉशिंग मशीन निकाल के रख दी थी, फिर भी उसने टाइम निकाल कर हांडी बना ली। ये परवीन है जो अभी से अपने आप को घर की मालकन समझने लगी है। जरा ध्यान दो उस पर। हाँ, लगामें खींच कर रखो वरना पछताओगे। ये लें आपकी चाय। ये सिर्फ चाय? पर मैंने तो पकौड़ों का भी कहा था। अब ये चाय पी ले, जब तक पकौड़े बनेंगे चाय ठंडी हो जाएगी। ए परवीन, जैसा भाई जी कह रहे हैं वैसा ही करो, समझी? ये नुक्कड़ में हलवाई की दुकान है, वो शाम में रोज समोसे और पकौड़े बनाते हैं। जाओ जाके ले आओ। देख लिया, शनाज आ जाए बात करता हूँ। तुम जाकर शहनाज को लेकर आओ, मैं एड्रेस समझाता हूँ। दिमाग खराब है क्या? सारी चाय हाथ में गिरा दी, हाथ जला दिया मेरा। मैं साफ कर देती हूँ। ये क्या कर दिया तूने? चाय गिरा दी ठेकेदार साहब पर। अबे कोई काम तुझे ढंग से भी आता है क्या? नहीं, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जल्दी से दूसरा चाय का कप बना के ला ठेकेदार साहब के लिए। कोई नहीं चाहिए दूसरी चाय, पहली चाय से हाथ जला दिया। सुन लिया? अबे सुन रही है? खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, शक्ल घूम कर अपनी। अबे शक्ल घूम कर अपनी जा। ठीक बैठे सर। कहाँ रह गई है शहनाज? और ये सुल्तान उसे लेने गया था, लगता है वो भी खुद वहीं जा बैठा है। तोबा है, बिल्कुल ही पागल है बीवी की मोहब्बत में। भाई जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी, बच्ची थोड़ी ना है कि कोई गुम हो जाएगी। थक गई मैं तो। लो आ गई। हालत खराब हो गई भी मेरी तो। जा जा परवीन जा, पानी लेकर आ शहनाज के लिए। जी। और सुन, खाना भी गरम कर लेना। नहीं 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 नहीं, खाना नहीं खाऊंगी मैं, बस पानी ला दे, आराम करूंगी, बहुत थक गई हूँ। पता रवीक थी तो मैं फिरदौस के घर में, लेकिन रेहान मेरा बस तुम्हारी तरफ था कि पता नहीं तुमने खाना खाया होगा, तुमने दवा टाइम पे ली होगी कि नहीं, तुमने जख्म साफ किया होगा कि नहीं। अरे तुम्हारी फिक्रें बेजा नहीं थी, घर से एक दिन के लिए क्या गई हो? निजाम ही उलट के रह गया सारा। मैं कहता हूं ये घर तुम्हारे दम से ही चल रहा है। अरे क्या कह रहे हो, परवीन थी तो सही घर पे। अरे परवीन का तो पूछो ही नहीं, तुम्हारी बहन है इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना।
खाना गर्म करने रख दिया ना? जी बस ये। भाई परवीन, ये सोने के कड़े तो क्या चमचम कर रहे हैं तेरे हाथों, जच रहे हैं। हेलो रफीक। कितना सोचती हूं मैं तुम मुझे कितने अपने अपने लगते हो, लेकिन तुमने तो जरा सी बात पर डांट के दिमाग खराब है क्या? सारी चाय हाथ में गिरा दी, हाथ जला दिया मेरा, दिखता नहीं है क्या? कसूर उसका तो नहीं था। तुम्हें क्या पता तुम्हारे आने पर मैं कितना खुश थी। मैं तुमसे बातें करना चाहती थी, बहुत उदास थी, अपनी उदासी तुमसे बांटना चाहती थी। अब सुन रही है, खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, शक्ल घूमकर अपनी। उसके बाप ने भी कितना बुरा भला कहा। चल अब शक्ल घूमकर अपनी जा। लेकिन ये क्या किया तुमने, मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मैंने भी हद कर दी। खाना ले आओ। नहीं। तो कब खाओगे? नींद आ रही है मुझे। हाँ तो सो जाओ, जाकर मना किसने किया? फिर बाद में मुझे आवाजें देते रहोगे। रानी सो चुकी है, तुम्हारी भाभी तो उठेंगी नहीं। नींद तो मेरी खराब होगी ना। ये तुम भाभी के बारे में किस तरह से बात करने लगी? कौन सा कुछ गलत कह दिया है मैंने? एक बात ध्यान में रखना, भाभी मेरी माँ की जगह है और उसकी बहुत इज्जत करता हूं मैं। आइंदा उसकी मुकाबलेबाजी करने की जुर्रत मत करना। उनकी खिदमत करने के लिए आ रही हो तुम इस घर में? मैं देखो तुम कुछ और नहीं सुना मुझे, ये बात अपने पल्लू से बांध लो आंदा, गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी ही बस दुआओं में है, इसकी ही बस। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो दोनों हमारे बड़े हैं, उनकी इज्जत करना हम पर फर्ज है। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। मेरा छोड़, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम्हें इस घर के लिए सिर्फ नौकरानी चाहिए बस। ऐसा नहीं है। हाथ छोड़ो मेरे। हाथ ही तो नहीं छोड़ सकता हूं। ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो आशिक और माशूक बने बैठे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुल्तान जी, भाभी जी, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से, कोई दवा दे दे मुझे। जी भाभी। सुल्तान हाय।
भाई अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई भाई, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बात कर दी, अब इसका इलाज कर देते हैं। भला कैसे? सोनिया बेटा, माँ के पाँव में दर्द हो रहा है, तेरा दबा दे इसे। इतनी ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर घूमेंगी, दर्द तो होगा ही। ओ, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जा रहा है उतना कर। बताया भी था आपको कि घर में आटा खत्म हो गया, यहाँ परवाह किसे, हम भूखे जिए या मरे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक वक्त के फाके से ना कोई मर नहीं जाता। मैं अपने अब्बा से बात कर रही हूँ। पापा आप तो कोई फिक्र कर लेना, शादी हो गई है तो बच्चों को भूल जाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा। अच्छा अच्छा, ज्यादा फलसफे जानने की जरूरत नहीं है, ये बैठे पकड़ पकड़, सुबह आटा मंगवा लेना। और बात सुन, अपनी जबान को लगाम दे, मैं देख रहा हूं दिन ब दिन तू बदतमीज और बदलियाज होती जा रही है। और पढ़ाओ इन्हें, ये सब ना इन किताबों का नतीजा है। मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं। माँ है तेरी, इसके पांव तले जन्नत है तेरी, दबा इसे दबा। दुख से बुरा हाल है, हाथों में जानी का। आए, आए, ये क्या था? हम किस मर्ज की दुआएं, हम आपके खादिम खिदमत गुजार। वो तो है, चले। बार तोड़ ली तो शहजाद, आराम से लगाया करो ना, कहाँ है मैंने। शौकत, शौकत, अजी सुनते हो शौकत? आया जी जी, बोलिए। देख लो फिर जा रही है पढ़ाई के लिए, इसे पता भी था कि रात से मेरे पैरों में दर्द है, लेकिन घर का सारा काम मेरे सर पे डाल के ये पढ़ाई के लिए जा रही है। तू आज पढ़ने नहीं जाएगी, तू आज पढ़ने नहीं जाएगी। अब मैं घर आकर ना सारे काम कर दूंगी, मैं कॉलेज जाने दे। इस पढ़ाई में रखा क्या है, हाँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिखकर उस्तानी बनना है ना, और अच्छी तरह जानती हूँ ये सिर्फ घर से निकलने के बहाने हैं। मेरे इम्तहानात होने वाले हैं। अरे अरे, देख रही हो इसे कितनी जिद्दी है, ये डटी हुई है अपनी बात पे। ये सब ना इस पढ़ाई की वजह से हो रहा है, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। मैं तो कहती हूँ आज के आज इसकी पढ़ाई खत्म कर दो बस। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपनी अम्मी जान को ज्यादा तंग किया तो मैं अब मैं आप दोनों की हर बात मानूंगी, और आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं सारे काम कर दूंगी, आज छुट्टी कर लेती हूँ, आज नहीं जाऊंगी कॉलेज, लेकिन मेरी हमेशा के लिए पढ़ाई मत छुड़वाना प्लीज। अब आई ना लाइन पे। शहजाद तुम जाओ स्कूल, मैं छुट्टी करती हूँ। Oh,
हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। रानी, ओ रानी, अरे रानी मेरी गाड़ी की चाबी जल्दी ढूंढ दे, काम के लिए लेट हो गया हूँ। खड़ी क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, गाड़ी की चाबी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, इतना रोने लगी है। भाभी ने भी ना नाज नखरे उठा के बिल्कुल ही नाजुक बना दी, जरा सी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती है। आता हूं ना शाम में, इलाज करता हूं तेरा भी, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी चाबी। सूरत है ये, खालिस सोने के इतने भारी, कैसे लगे तुझे? बहुत प्यारे। आजी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वैसे कितने के होंगे ये? लाखों के हैं, लाखों के, लाखों के, लाखों रुपए उसने मुझ पे खर्च कर दिए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे जरा कमरे से बाहर निकल के देख, सेहन भर दिया है उसने फलों के टोकरों से, बैठा है वहां रफीक के पास एक नजर तुझे देखने के लिए। हाय सच्ची? और क्या, अभी रफीक को मैं बहाने से बुलाती हूँ, तू चाय ले जाना, इस बहाने जरा तेरी मुलाकात हो जाएगी ना। परवीन सच्ची बात है, इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं तेरी बहन सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ। जो मलिक है ना, बहुत बड़े दिल वाला है, तू देखना शहराज जो शर्त रखेगी ना पूरी करेगा। कैसी शर्तें? ओ पागल कहीं की, ऐसे मुफ्त में हवाले कर दूंगी तुझे मैं उस मलिक के, शादी कर दूंगी तेरी। अरे पहले मकान तेरे नाम लगवाऊंगी मैं। मकान? हाँ तो और क्या। हाय बाजी, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। तेरा ख्याल नहीं करूंगी तो किसका करूंगी मैं, बहन है तू मेरी, हर वक्त फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। देख परवीन, सोचा तो मैंने यही था कि दोनों बहनें एक ही घर में इकट्ठा रहेंगी, कितना मजा आएगा, लेकिन सच्ची बात है सुल्तान के साथ तो खुश नहीं रहेगी। अरे मैं नहीं चाहती कि तू अपनी सारी उम्र उस अक्खड़ मिजाज बदतमीज आदमी के साथ उसकी खिदमत में गुजार दे। अरे दफा करो उसे, वो सुल्तान उसको तो अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, तेरी क्या कदर करेगा वो। और वो मलिक शर्त लगा रहे मुझसे, आधी रात को तू पानी का ग्लास मांगेगी ना तो भागा आ जाएगा पानी लेने के लिए तेरे। हर फरमाइश पूरी करेगा, ऐश करेगी तू, ऐश महारानी बन के रहेगी। पाजी मैं चाय बनाऊं? हाँ हाँ जल्दी जा चाय बना, मैं बहाने से रफीक को बुलाती हूँ, जा। चाहा सब ही, हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है वो, जिंदगी को जीतना है फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही।